नमस्कार दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि किसी भी दीवार पे या फिर घर में छिपकलियाँ बहुत नज़र आ जाती हैं, लेकिन छिपकलियाँ कभी दीवार से नीचे भी गिर जाती हैं, कभी किसी के ऊपर भी गिर जाती हैं। बहुत से तो डर भी जाते हैं कि छिपकलियाँ गिरना शगुन है या अपशगुन। जानिए इस वीडियो के दौरान कि छिपकली का गिरना शगुन माना जाता है या अपशगुन। शास्त्र के अनुसार कहा गया है, शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि छिपकलियाँ प्रतीकात्मक किसी अंग पर गिरती हैं तो कहीं शुभ होता है और कहीं अशुभ। लोग कहते हैं कि छिपकली का सर पे गिरना अपशगुन माना जाता है, क्योंकि छिपकली अगर सर पे गिरती तो इसका इंगित इशारा यह होता है कि घर में विवाद या झगड़े होने की आशंका है। ज्योतिष पाठ के अनुसार कहा गया है कि छिपकली को बड़ी मान्यता दी जाती है। अगर छिपकली घर में होती है तो इससे आपके घर में यश धान्य बना ही रहता है। कहा जाता है कि छिपकली अगर छाती, नाभि या पेट पर गिरती है तो उसका भी शगुन माना जाता है। अगर किसी पुरुष पर छिपकली सीधे ही गिरती है, या तो वह व्यक्ति विश्राम कर रहा हो या फिर सोया हो और शरीर पर उसके अचानक छिपकली गिर जाए, तो इससे भी कहते हैं कि छिपकली का गिरना शगुन माना जाता है। अगर महिला के उल्टे शरीर पर छिपकली गिरती है तो यह भी शगुन माना जाता है। कहा जाता है छिपकली अगर गर्दन पर गिरती है या फिर दाएं तलवे पर गिरती है तो इससे भी आपके घर में यश और धान्य बना ही रहता है। यहाँ आपने कि छिपकली का गिरना भी शगुन माना जाता है, कहीं माना जाता है अपशगुन, लेकिन ज़्यादातर छिपकली का गिरना शगुन माना जाता है। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।